हेलो स्टूडेंट, आई एम रुपेश कुमार गौर, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के जो शेपर मशीन है उसकी बात करेंगे, जो कि हमारे ME 209 के अंदर जिसका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करने से पहले हम जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं शेपर मशीन के अंदर, ठीक है। तो इस बेस से हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा नीचे है वो है हमारा बेस, या कह सकते हैं उसको बैट, जिस पे हमारा मशीन का टोटल लोड या भार आता है, ठीक है। उसके बाद में ये होता है हमारा कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर जो हमारा पूरा जो भी इसका शेपर का जो मैकेनिज्म होता है, जो ड्राइव होती है, वो हमारा इसके अंदर होता है। इसके ऊपर होता है हमारा ये रैम, जो रैम होता है वो हमारा करता है लेफ्ट एंड राइट मोशन, या अगर हम आगे से देखते हैं तो थ्रू हैंड फ्रो मोशन वो हमारा करता है, ठीक है। इसके बाद रैम पे हमारा लगा होता है ये रैम क्लैंपिंग नट। रैम क्लैंपिंग नट क्या करता है कि जब भी हमारे को रैम की जो डिस्टेंस होती है, ये जो वर्किंग स्ट्रोक होता है, वो हम उससे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें स्केल लगा होता है जिसके कारण हम इसकी वर्किंग स्ट्रोक की सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका रैम क्लैम्प नट। रैम क्लैम्प नट का काम यह है कि जो आपका जो रैम है उसकी हम लेंथ या स्ट्रोक उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में है हमारा ये टूल पोज, इसके अंदर होता है हमारा टूल फीड हैंडल, ठीक है, क्लैपर बॉक्स एंड टूल पोस्ट। क्लैपर बॉक्स का यूज़ होता है कि जब भी हम रिटर्न स्ट्रोक के अंदर आते हैं तो ये आपका जो टूल होता है उसको ऊपर पुल कर देता है, जिससे कि हमारा जो टूल का एज है वो डैमेज नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पे एक लगी होती है हमारे एडजस्टेबल स्लाइडिंग सपोर्ट, कि क्या करता है ये जो हमारा ये टेबल है इसको सपोर्ट करेगा, और ये टेबल इस पर अप एंड डाउन साइड होगा, ठीक है। इस टेबल पे हमारे टी स्लॉट कटे होते हैं, इस टी स्लॉट पे हम वाइज या वर्क होल्डिंग डिवाइस हम लगाते हैं, ठीक है। इस वर्क होल्डिंग डिवाइस पे हम जो भी हमारा वर्क है वो हम लगा देते हैं। तो ये है हमारा बेसिक पार्ट जो हम शिपर मशीन के अंदर जो हम इसमें यूज़ करते हैं, दैट इज़ वो यूज़ करते हैं हम क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म। ये डायग्राम हमारा शो कर रहा है कि कैसे हमारा शेपर मशीन वर्क करेगा। ये हमारा है क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म, ये हमारा है क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है कि जो वर्किंग स्ट्रोक होता है उसके अंदर जो हमारा लेंथ होता है, वर्किंग स्ट्रोक का टाइमिंग या लेंथ होता है वो हमारा होता है ज़्यादा, और जो रिटर्न स्ट्रोक होता है क्योंकि वो आइडल स्ट्रोक होता है, ठीक है, तो वो हमारा उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। ये है हमारा क्विक रिटर्न।